हेलो एवरीवन, नागोर्नो काराबाग को लेके अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध भयानक रूप ले लिया है। दोनों तरफ से लोगों और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। यह युद्ध शांत हो सकता था जल्दी, लेकिन टर्की ने इस युद्ध को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। इस युद्ध में कौन सा देश कौन सा पक्ष चुन रहा है, यह काफ़ी अजीब लगेगा आपको सुन के। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस युद्ध में इतना कन्फ्यूज़न क्यों है। पहला कन्फ्यूजन, पाकिस्तान, टर्की और इसराइल तीनों इस युद्ध में एक पक्ष में क्यों खड़ा है, जबकि पाकिस्तान और टर्की इसराइल को सबसे बड़ा दुश्मन और खतरा मानते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। दूसरा कन्फ्यूजन, ईरान एक सिया मुस्लिम कंट्री होके भी अजरबैजान को छोड़कर अर्मेनिया को क्यों सपोर्ट कर रहा। तीसरा कन्फ्यूजन, रशिया का अर्मेनिया के साथ मिलिट्री पैक्ट होते हुए भी युद्ध में भाग क्यों नहीं ले रहा, जबकि टर्की और पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध में सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। चौथा कन्फ्यूज़न, एक्चुअली ये इंडिया को लेके है। भारत अर्मेनिया को अपना डिफेंस पार्टनर मानता है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है, फिर भी अर्मेनिया को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। सारा जियोपॉलिटिकल खेल आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पहला कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, टर्की युद्ध के पहले दिन से खुलकर अजरबैजान के सपोर्ट में खड़ा है। टर्की मिलिट्री असिस्टेंट दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अर्मेनियन गवर्नमेंट ने दावा किया है कि टर्की के F-16 ने रशियन मेड अर्मेनियन SU-25 फाइटर प्लेन को मार गिराया। इससे भी बड़ा खबर यह है कि टर्की अपने रिबल ग्रुप जो सीरिया में एक्टिव है उसे इस युद्ध में उतार दिया है, जिसमें कई सारे ISIS के लड़ाके भी हैं। टर्की ने इस युद्ध को एक विकराल रूप दे दिया है। वहीं पाकिस्तान ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि वो फुल्ली तरीके से अजरबैजान के सपोर्ट में खड़ा है। पाकिस्तान तो ऐसे भी अर्मेनिया को कंट्री भी नहीं मानता। खबर यहाँ तक है कि पाकिस्तान के कई लड़ाके इनडायरेक्टली रूप में शामिल हैं इस युद्ध में अजरबैजान के सपोर्ट में। सबसे चौंकाने वाला देश इसराइल, जो अर्मेनिया को छोड़ के अजरबैजान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, अर्मेनियन सेना को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो है अटैक ड्रोन्स। अजरबैजान के फोर्स इजरायली ड्रोन का धड़ल्ले से युद्ध कर रहे हैं इस युद्ध में। इस चीज़ को लेके अर्मेनिया ने इसराइल डिप्लोमेट्स को समन किया और गवर्नमेंट ने यह बोला कि इसराइल का इस तरीके से अजरबैजान को सपोर्ट करना अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल इस पे कोई बयान देने से भी बच रहा है। इसराइल अजरबैजान का ट्रेड अच्छा खासा है, खास करके डिफेंस का कई सारे सामान इसराइल अजरबैजान को बेचता है और सबको अपने देश का हित सबसे ज़्यादा प्यारा है। ईरान का इस युद्ध में रोल आपको बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि ईरान और अजरबैजान दोनों सिया मुस्लिम कंट्री है, फिर भी ईरान अर्मेनिया को सीक्रेटली सपोर्ट करता है। इस्तांबुल पॉलिसी सेंटर सावांसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलंट अरास ने दो इम्पॉर्टेंट रीज़न दिया है इस चीज़ को लेके। पहला रीज़न है, ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया है और रशिया अर्मेनिया के ज़्यादा क्लोज है, तो ईरान का अर्मेनिया को सपोर्ट करना है बनता ही है। लेकिन इससे भी बड़ा रीज़न है ईरान का इंटरनल पॉलिटिक्स। देखो, ईरान का टोटल पॉपुलेशन करीब 8 करोड़ है, जिसमें से 1/3 मतलब करीब 3 करोड़ के करीब अजर मुस्लिम है और उनका लैंग्वेज और रहन सहन टर्किश से मिलता है। यह डेटा अनप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन UNPO का 2017 का है। इस युद्ध को लेके ईरान के कई प्रोविंस में प्रोटेस्ट हो रहा है अजरबैजान के सपोर्ट में। इस अजर टर्क लोगों में कई सारे ऐसे हैं जो ग्रेट अजरबैजान का सपना देखते हैं, ईरान के बड़े हिस्से को तोड़ के अजरबैजान में मिल जाना चाहते हैं। तो आप खुद सोचो, ईरान अपने देश को बचाए पहले या दूसरे देशों को। रशिया के युद्ध में नहीं शामिल होना का सबसे बड़ा कारण है, दोनों देश सोवियत यूनियन का पार्ट था और दोनों देशों के साथ रशिया का संबंध काफ़ी अच्छा है। रशिया दोनों देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है, लेकिन
रशिया का झुकाव अर्मेनिया के साथ ज्यादा है। लास्ट ईयर ही रशिया ने अर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल और नए SU-30 SM फाइटर प्लेन्स भी दिया है। रशिया मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करता है अर्मेनिया को। उसके साथ अर्मेनिया CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, जो एक मिलिट्री अलायंस ग्रुप है जिसे रशिया लीड करता है। इस ग्रुप को नाटो के इक्विवेलेंट सोच के बनाया गया था, लेकिन रियलिटी यह है कि नाटो के सामने यह ग्रुप कुछ भी नहीं है। इस ग्रुप का मेंबर होते हुए भी रशिया इस युद्ध में अर्मेनिया के पक्ष में शामिल नहीं हो रहा। उसको लेके रशिया का कहना है, अर्मेनिया अज़रबैजान का यह डिस्प्यूट सालों से चला आ रहा है और यह युद्ध अर्मेनिया के ऊपर नहीं हुआ है कि पूरे देश पे ही युद्ध थोपा गया हो। और रशिया किसी दो देशों के डिस्प्यूट्स को दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने का ही नसीहत देता है। उसके साथ रशिया ने टर्की को वार्न किया कि इस युद्ध से दूर रहे, वरना रशिया बिना सेना भेजे ही एक झटके में सारा युद्ध समाप्त करने की ताकत रखता है। आते हैं इंडिया में। देखो, अर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्मेनिया के साथ भारत का मिलिट्री अलायंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्की को काउंटर करने के लिए। वहीं अज़रबैजान ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के लिए अज़रबैजान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और भारत का एनर्जी डिमांड भी पूरा करेगा। INSTC भारत को चाबहार पोर्ट से होके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया तक पहुंचाएगा ट्रेड के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।